हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का डोरमेट बनाना सीखेंगे और इसे बहुत ही इजीली आप केवल अपने हाथों से ही बना लेंगे। इसमें मैंने कोई सिलाई का यूज़ नहीं किया है। इसके लिए साड़ियों के 4-4 इंच चौड़ाई में टुकड़े काट लेते हैं और फिर एक लंबी सी पट्टी इसकी लेंगे और उस पट्टी पर आपको दूसरी जो पट्टियां हैं उनको अटैच करना है। तो दोनों किनारे को जोड़ते हुए इस तरह से बीच में जहाँ जॉइंट है वहाँ इसका सेंटर लगा के इस तरह से जॉइंट करनी है। इसके लिए पट्टी को ऊपर वाली पट्टी के नीचे रखकर और इसमें से दोनों किनारों को निकाल देना है। ऐसे करके ये पट्टियाँ हमें एक एक कलर की एक एक पट्टी जोड़नी है। तो 6 पट्टी हम इस तरह से जोड़ लेंगे अलग अलग कलर की। आपके पास जो भी कलर हो उनको आप किसी भी क्रम में ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर की पट्टियाँ जुड़ जाएं। उसके बाद में आपको जो पहले वाली पट्टी थी उस पर एक नॉट लगा देनी है। इन पट्टियों को अंदर की तरफ जोड़ते हुए ऐसे, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन गया। अब इसी में से हम आगे इसकी बुनाई करेंगे हाथों से। कोई सिलाई नहीं यूज़ करनी है और कुछ भी नहीं। अब हम इन पट्टियों को ऐसे फैला लेंगे और ये जो राउंड लगाया था जिस वाली पट्टी से, वो भी पीले कलर की है, तो उसको पूरे राउंड में लपेटते हुए जाएंगे और ये दो पट्टियाँ अलग है। तो इस वाली पट्टी को ऐसे रखेंगे और जो दो पट्टियाँ ऐड हैं उनके किनारे, एक पट्टी का एक किनारा लेंगे और उसे ऊपर की तरफ से ऐसे ले जाकर उसी में से निकाल देंगे, उसका जो लूप बना हुआ है उसमें से। आप वीडियो में दिखाए अनुसार इसे बना लें। पट्टी को ऐसे रखा और उसके अंदर से इस पट्टी को दोबारा से निकाल देना है। तो इस तरह से इसके हमें दो राउंड लगाने हैं, मतलब दो नॉट इसकी लगानी है एक पट्टी से, ठीक है। तो दूसरी वाली पट्टी को लेकर भी हम इसके दो नॉट लगाएंगे। अब इस नॉट को थोड़ा सा खींचकर आगे की तरफ टाइट कर देंगे और दूसरी नॉट को भी टाइट से ही लगाएंगे। इसी तरह से आगे भी हमें प्रत्येक कलर को ऐसे ही राउंड राउंड लपेटते हुए नॉट लगाते हुए सभी कलर की पट्टियों से एक पूरा राउंड बनाना है। देखिए, काले कलर की पट्टी से मैंने दो राउंड नॉट लगाई हैं। अब दूसरी वाली पट्टी से भी हम दो नॉट लगाएंगे। ऐसे करके और अब इसके बाद दूसरा कलर जो है उससे भी इसी तरह से दो दो नॉट करके सभी की लगाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे।
अब इसी तरह से हम इसका एक और राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमने इसके दो राउंड बनाए हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा राउंड हम बनाएंगे, येलो से स्टार्ट किया था ना यहीं से, तो फिर अब हम इसमें एक एक पट्टी और ऐड करेंगे क्योंकि अब इसका साइज़ बड़ा हो गया है। तो आगे बढ़ाते हुए हमें एक एक पट्टी बीच बीच में दो राउंड के बाद ऐड करनी होगी। ये देखिए किस प्रकार से, पहले तो हम दो दो नॉट लगाते हुए जो पट्टी जुड़ी हुई है उसी से बनाएंगे चार नॉट। ऐसे करके अब इसके बाद एक नई पट्टी लेंगे इसी कलर की, ये पीले कलर का है तो हम पीले ही कलर की एक पट्टी लेंगे और उसको डबल मोड़ लेंगे और जैसे स्टार्टिंग में हमने जोड़ा था उसी तरह से इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे। अब इससे बनाएंगे नहीं, सिर्फ इसे जोड़कर यहीं पे छोड़ देंगे और आगे के कलर को बनाएंगे। अब काले वाले से बनाएंगे तो इस तरह से पट्टी को ऐड करेंगे और आगे बनाएंगे। आगे ये राउंड बढ़ता हुआ जाएगा तो इसी तरह से पट्टियाँ जोड़नी है और जब दूसरा राउंड बनेगा उसमें इस पट्टी से बुनाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो हमने सिर्फ इस वाले राउंड में सभी में एक एक पट्टी जोड़नी है। अब जब दूसरा राउंड आएगा तो उसमें इस पट्टी से भी बुनाई कर देंगे। फिर जब उसके बाद राउंड आएगा उसमें हम एक पट्टी जोड़ देंगे, फिर उसके बाद वाले में हम उससे बुनाई कर देंगे। तो इस तरह से इसे बढ़ाते हुए आप पूरा आगे जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरह से देखते हुए हम इसे आगे बनाते हैं। अब देखो मैंने इसका एक राउंड बनाया। अब इसके बाद जो राउंड होगा उसमें इन पट्टियों के द्वारा मैं बुनाई करते हुए से पूरा करूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे की तरफ बढ़ाते जाइए, पट्टियाँ जोड़ते जाइए और जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बनाकर पूरा कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसके लिए धन्यवाद।